हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक HD थंबनेल क्रिएट करना चाहते हो, जैसा कि मनोज दिस सर अपना थंबनेल बनाते हैं, टेक्निकल योगी सर अपना थंबनेल बनाते हैं, तो आप भी वैसा थंबनेल अपने स्मार्टफोन से क्रिएट कर सकते हैं। आखिर किस तरह से आप अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, या जो मनोज दिस सर जो PNG यूज करते हैं, चाहे वो पेपर कटिंग हो, चाहे यूट्यूब लोगो PNG हो, या और भी सारे जो PNG वो भी आप कैसे अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करें, तो वो सारे डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और वहां पर एक थंबनेल क्रिएट करके मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, थंबनेल क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर पिक्सल ऐप ओपन करना, अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब आपको राइट साइड से जो नीचे सेकंड वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप इमेज साइज सेलेक्ट कर सकते हैं कस्टम वाले बटन के ऊपर। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करके डन करना है। तो इस तरह से आपका जो थंबनेल साइज होता है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं यहाँ पर कलर की बात, तो आप अपने मनपसंद से अपना कलर चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर कलर की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं लेता हूँ रेड कलर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो काफ़ी डार्क कलर है, तो मैं इसको हल्का लाइट करने के लिए यहाँ पर प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद में आप इसको हल्का लाइट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको हल्का लाइट कर लिया है, उसके बाद में सिंपली से डन करना है। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर यूज करने वाले हैं एक शेप का, तो यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, या आप अगर शेप का यूज ना करके जिस तरह से यहाँ पर शेप वाला ऑप्शन आता है, इस तरह से आप शेप का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यूज करके बता देता हूँ उसको, ताकि आपके आगे प्रॉब्लम नहीं आए। सो यहाँ पर सिंपली से मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया एंड यहाँ पर आपको डन करना है। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, मैंने इसको जरा सा तिरछा किया। सो फ्रेंड्स, अब इसको आप लॉक कर सकते हो ताकि ये इधर उधर नहीं हो। तो आपको यहाँ पर जो ऊपर 3 डॉट है, इसके जस्ट नीचे वाले बटन के ऊपर आना है और यहाँ पर इसको लॉक कर देना है। फिर आपको सिंपल से उसी बटन के ऊपर क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, अब आप पेपर कट PNG यूज करने वाले हैं, तो पेपर कट PNG आखिर डाउनलोड कैसे करें, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पेपर कट PNG, यूट्यूब लोगो PNG, जो भी PNG आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। तो सिंपली से प्लस वाले आइकन के ऊपर आना है एंड फ्रॉम गैलरी, और यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास काफ़ी यूट्यूब लोगो PNG, पेपर कट PNG आपको यहाँ पर मिल रही हैं। तो मैं सिंपली से वाइट वाली जो पेपर कट PNG इसको लेता हूँ एंड फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर आप रोटेट कर सकते हैं यहाँ से, और मैंने इसको ज़रा सा रोटेट किया और उसके बाद में यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद में फ्रेंड्स, अगर आप इसके ऊपर स्ट्रोक भी लगाना चाहते हो तो आपको बीच वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप इसको जब स्लाइड राइट की तरफ करोगे तो स्ट्रोक वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप रेड स्ट्रोक लगाना चाहते हो, आप ब्लैक लगाना चाहते हो, जो भी आप, तो यहाँ पर ब्लैक काफ़ी अच्छा लग रहा है और ब्लैक में आपको यहाँ पर जो स्ट्रोक विद है इसको 4 कर दिया ताकि एक दिखने में काफ़ी अच्छा लगे। अब आपको यहाँ पर करना क्या, जैसे आपको एक थंबनेल बनाना है, थंबनेल क्रिएट करना है, किस टॉपिक के ऊपर करना है, जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स, तो यहाँ पर आप सिंपली टेक्स्ट में जाना है एंड यहाँ पर आपको न्यू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो यूट्यूब शॉर्ट्स, तो जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया इस तरह से आपका यूट्यूब शॉर्ट्स आ चुका है। इसको भी आप ज़रा सा रोटेट कर सकते हैं, तो जैसा कि मैंने कर दिया तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद में फ्रेंड्स, आपको यूट्यूब शॉर्ट्स को लेकर आप क्या थंबनेल में बताना चाहते हो वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। तो किस तरह से आप अपना, जैसे मनोज दे सर वो बताते हैं कि यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने से पहले ये वीडियो देख लो, तो जैसे अपन टाइप करके मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स। अब यहाँ पर आपको न्यू टेक्स्ट में जाना है, फिर टेक्स्ट में क्लिक करना है एंड यहाँ पर डबल टैप करना आपको यूट्यूब शॉर्ट्स VIT वीडियो, वीडियो बनाने से, इसको एक लेयर में लेते हैं। यहाँ पर आप पहले कलर चेंज कर लेते हैं आप, तो आपको सिंपली से यहाँ पर जो नीचे वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेकेंड नंबर नीचे जो सेकंड नंबर पे ए वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर आपको आगे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको कलर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं अभी के लिए इसके ऊपर रेड कलर या ब्लैक कलर कर लेते हैं, ताकि वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब फ्रेंड्स, आप सिंपली से यहाँ पर टाइप कर सकते हो, जैसे इसको और अच्छा एडिट करें तो बनाने से पहले
इसको मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया एंड सेकेंड आपको प्लस के ऊपर आना है, डबल टैप करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर करना है बनाने से पहले वीडियो देख लेना एंड सिंपली सी आप इस तरह से टाइप कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर वाइट में वाइट कलर तो आपको दिख नहीं रहा तो आप सिंपली सी इसका कलर चेंज कर सकते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर इसकी साइज़ इसको काफ़ी बड़ा कर देना ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से दिखे। अब यहाँ पर जो देख लेना है इसको मैं साइज को छोटा करता हूँ जरा सा एंड इसके जो कलर है वो भी यहाँ पर ब्लैक लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली से कलर वाले ऑप्शन में आना है, ब्लैक को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने से पहले वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर वीडियो वाला बटन वीडियो वाला ऑप्शन वापस लगाते VIDO वीडियो देख लेना तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात आती है कि आप जो YouTube लोगो लगाते हैं जैसे मनोज सर YouTube लोगो का यूज करते हैं तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने आपको वीडियो रेफर किया डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्लस वाले आइकन में आना है, फ्रॉम गैलरी के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास जो यूट्यूब के लोगो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इस तरह से मैंने भी उसी एप्लीकेशन से डाउनलोड किया था, आप जाकर एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पर आपको इसकी छोटी साइज करनी है एंड यहाँ पर आप इसको कुछ रोटेट कर सकते हो ताकि दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, फिर आप एक और भी ले सकते हैं। प्लस वाले आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड फ्रॉम गैलरी, फिर आपको यहाँ पर जो यूट्यूब लोगो है उसको आपको ओके करना है एंड डन, फिर आपको यहाँ पर इसको भी सेट कर देना है जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, आप अपनी इमेज जो PNG इमेज है, काफ़ी सारे जो नए क्रिएटर उनको ये प्रॉब्लम आती है कि हम अपनी फोटो का बैकग्राउंड कैसे हटाएं। अगर आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड हटाना चाहते हो वो भी अच्छे क्लियर 100% क्वालिटी के साथ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर आसानी से आप 20 या 30 सेकेंड में अपना वीडियो का बैकग्राउंड आसानी से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस वाले आइकन के ऊपर आना है, आपको फ्रॉम गैलरी के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आपको सिंपली से जो आपकी फोटो PNG है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे मैं मेरी फोटो लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये PNG फॉर्मेट में है एंड यहाँ पर इसका एरिया सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में इसको यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो इसकी साइज को ज़रा छोटी करते हैं, उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्रॉपर जो इमेज है मेरी वो यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब जो फोटो है इसके भी अगर आप स्ट्रोक लगाना चाहते हो तो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है स्ट्रोक। यहाँ पर जो मेरी इमेज है इसके स्ट्रोक की बात करते हैं, यहाँ पर मैं जो स्ट्रोक है यहाँ पर मैं ब्लैक स्ट्रोक का यूज करता हूँ ताकि वो वाइट बैकग्राउंड में अच्छे से दिखे। तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पर स्ट्रोक दिख रहा है और यहाँ पर आपको डन करना है सिंपली सी। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो कि आपका जो थंबनेल आपने क्रिएट किया अभी अभी वो काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। जैसे YouTube शॉर्ट्स बनाने से पहले ये वीडियो देख लेना काफ़ी। लेकिन अब और भी इसको यूनिक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बनाने से पहले इसके आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली से ए वाले ऑप्शन के ऊपर आना है और यहाँ पर आपको फॉन्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो अपनी फॉन्ट है जो आपको पसंद है उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पर डन कर सकते हो, फिर वीडियो देख लेना। मैं इसकी भी फॉन्ट को चेंज कर देता हूँ तो आप देख सकते हो काफ़ी जो पहले से है वो काफ़ी अच्छा यूनिक लग रहा है देखने में। आप देख सकते हो बनाने से पहले वीडियो देख लेना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और इस तरह से आप भी अपनी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में जो YouTube शॉर्ट्स है इसकी भी आप जो फॉन्ट है अगर वो चेंज करना चाहते हो या आप कलर चेंज करना चाहते हो तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं YouTube शॉर्ट्स के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर भी इसकी फॉन्ट है वो चेंज करते ताकि आपका थंबनेल दिखने में यूनिक लगे और काफ़ी अच्छा लगे। थंबनेल सबसे ज़्यादा वीडियो में इंपॉर्टेंट रोल, जो CTR होता है क्लिक थ्रू रेट, वो थंबनेल का ही रोल होता है। और आपको सिंपली सी YouTube शॉर्ट्स अब यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पर जैसे आप स्ट्रोक यूज करते हो तो और भी अच्छा। जैसे मैं यहाँ पर इनेबल करता हूँ तो आप देखना YouTube शॉर्ट्स है वो काफ़ी अच्छा दिखने को ये देखिए आपको मिलेगा। यहाँ पर आप ब्लैक वाइट के साथ ब्लैक यूज करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है और यहाँ पर जो मैं स्ट्रोक विद है वो 5, 6 यहाँ पर 7 मैंने कर दिए एंड यहाँ पर डन। तो आप देख सकते हो आपका थंबनेल अच्छे से क्रिएट हो चुका है। आप अपने थंबनेल को अच्छे से
अपने वीडियो के ऊपर सेट कर सकते हैं, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपके फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, इस थंबनेल को आपको सेव भी करना है, वो तो मैंने आपको वीडियो में बताया ही नहीं। तो आप सिंपली से जो प्लस वाला आइकन है ऊपर से, इसके जस्ट राइट में आपको जो लोगो दिखाई दे रहा है प्लस वाले आइकन के जस्ट राइट वाले ऑप्शन में सेकंड नंबर का, तो इसके ऊपर सिंपली से आपको क्लिक करना है। सेव एज इमेज वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करके सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, तो ये इमेज सेव हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, बाय।